और इस समय की बड़ी खबर हमें जो मिल रही है वो आपको बता दें, ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पुणे में पूजा खेडकर के घर पर पुलिस पहुंच गई है। पूजा खेडकर पर अधिकारों के गलत इस्तेमाल का आरोप है। पूजा का आरोप है कि उन्होंने अपनी निजी गाड़ी पर लाल बत्ती लगवाई हुई थी। नियमों के मुताबिक कोई भी सरकारी अफसर बिना इजाजत लिए अपनी निजी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगवा सकता है। और इसी मामले की जांच के लिए पुलिस की एक टीम पूजा खेडकर के पुणे स्थित घर पर पहुंची, जहां वो उनकी ऑडी कार की जांच करेगी जिस पर लाल बत्ती लगवाने का आरोप है। तो ट्रेनी है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पूजा खेडकर, इनके घर पर पुलिस पहुंची है। और ये देखिए पूजा खेडकर की कार पर महाराष्ट्र शासन भी लिखा हुआ है। निजी कार पर लाल बत्ती लगाने का आरोप है पूजा खेडकर पर, और इसी को लेकर अब पुलिस जांच के लिए पूजा के घर पहुंची है। और इसी बड़ी खबर पर अरुण मैत्रेय मेरे साथ लाइव है। और अरुण, क्या जानकारी इस खबर को लेकर पुलिस जब पहुंची है तो ये जांच कहां तक पहुंची? ये देखिए पुणे के बानेर में बानेर रोड पर ये पूजा खेडकर का परिवार जहाँ पर रहता है उनका बंगलो है, ओमदीप बंगलो, एक काफ़ी आलीशान या बड़ा बंगलो है। और इस बंगलो पर पुलिस कुछ देर पहले पहुंची है। अभी देखिए पुलिस कर्मचारी कुछ अधिकारी है यहाँ पे, अपने मीडिया कर्मी उनसे बात कर रहे हैं। तो लगभग एक घंटा हुआ ये सब ये टीम यहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने कोशिश की कि अंदर से किसी को बाहर बुलाया जाए। मामला जैसे ही ये सब खबरों में आया, खास करके उनकी गाड़ी को लेकर, जो अभी अभी यहाँ पे बाहर से दिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी है वो ढकी हुई है एक कवर के नीचे, वो ऑडी गाड़ी है जिसके ऊपर उन्होंने नीली बत्ती और लाल बत्ती लगाई हुई थी, जो जो कि अधिकारों का उल्लंघन है। और उसी के चलते काफ़ी मामला बढ़ता गया, और कई सारे मामले जैसे कि उनका OBC सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इसके बारे में भी कुछ सवाल खड़े हुए। और ऐसे में सब उनका जो मामला है वो पुणे के जिलाधिकारी ने गवर्नमेंट तक पहुँचाया, और गवर्नमेंट ने उनका तबादला महाराष्ट्र के ही वाशिम जिले में कर दिया। लेकिन बात है यहाँ तक ही मर्यादित नहीं थी, यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि UPSC में किस तरह से भर्ती की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसके ऊपर सवाल खड़े किए गए। अगर उन्होंने नॉन क्रिमिनल या फिर OBC सर्टिफिकेट के बारे में या फिर उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ गलत या गलत तरीके की इंफॉर्मेशन, जानकारी अगर दी है और उसके गलत बोगस बनावटी प्रमाण पत्र जिसे कि सर्टिफिकेट अगर सबमिट किया है तो उनकी जांच होनी चाहिए, इस तरह की मांग हो रही है। और ये मामला अभी काफी बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण मैत्रेय और इस बड़ी जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर के लिए। महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर काफी चर्चा में है। एक सिविल सेवा अधिकारी के रूप में अधिकारों के कथित दुरुपयोग को लेकर पूजा विवादों में आ गई थी। अब पूजा को महाराष्ट्र के पुणे में वाशिम में स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी ट्रांसफर उनका कर दिया गया है। खेडकर अब 30 जुलाई 2025 तक अपना शेष कार्यकाल वाशिम में ही पूरा करेंगे। तो देखिए ये ज्वाइनिंग से पहले कैबिन और निजी कार तो ट्रेनी IAS पूजा खेडकर से जुड़े हुए जो विवाद है वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर ट्रेनी IAS पूजा खेडकर कौन है और क्यों विवादों में है। 2022 बैच की IAS अधिकारी है पूजा खेडकर, दिव्यांग श्रेणी से पास की है IAS की परीक्षा। पूजा का दिव्यांग सर्टिफिकेट भी अब विवादों में है। पूजा ने निजी ऑडी कार में लाल बत्ती लगवाई, उन्होंने ज्वाइन करने से पहले केबिन की मांग की। पूजा के पिता भी रिटायर्ड अधिकारी है, तो दिव्यांग सर्टिफिकेट अब विवादों में है। तो अब ये पूरा मामला जो है वो जाहिर सी बात है कि जांच होगी। हालांकि पूजा खेडकर की तरफ से अभी कोई भी सफाई या कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस उनके घर जरूर पहुंची है। प्राइवेट गाड़ी में जो उन्होंने लाल बत्ती लगाई उसको लेकर यह पूरी शिकायत की गई थी जिलाधिकारी के द्वारा। पूजा के पिता भी रिटायर्ड अधिकारी हैं। गुन्हा दाखल करू शकता ना शासकीय काम घर करना करना नहीं बोलू शकत नाही, तुम्हाला काय वाईट देऊ शकत नाही। चुकीचं आहे असं हे विधा परमिशन आम्हाला मीडियाबरोबर बोलता येत नाही, त्यामुळे आम्ही बोलू शकत नाही। वरिष्ठांच्या आणि परवानगी शिवाय तसं नाही।